शाहजहांपुर की जिला जेल में आसाराम बापू का सत्संग हुआ और उनका गुणगान किया गया। जेल के अंदर आसाराम बापू का फोटो लगाकर उनके साधकों ने सत्संग के साथ साथ कंबल वितरण भी किया। खास बात यह है कि आसाराम बापू के भक्त बने जेल प्रशासन ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके इसे सरकारी कार्यक्रम बना दिया। मामला मीडिया में आने पर जिला जेल में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जेल प्रशासन ने कल जिला जेल में आसाराम बापू के सत्संग का आयोजन किया था। इस दौरान कैदियों को आसाराम बापू के गुणगान सुनाए, साथ ही उनके दो साधकों ने यहां कंबल और पुस्तकें भी बांटी। खास बात यह रही कि जिन दो साधकों अर्जुन और नारायण पांडे ने यहां कंबल वितरण किया और सत्संग किया, वह शाहजहांपुर जिला जेल में दो गवाहों की हत्या के आरोप में जेल में बंद थे और इन दिनों जमानत पर हैं। आसाराम बापू का गुणगान सुनने के बाद जेल प्रशासन ने बाकायदा इसे सरकारी कार्यक्रम बना दिया। जिला जेल ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कार्यक्रम के बारे में मीडिया को बताया, लेकिन मामला मीडिया में हाईलाइट होने के बाद जिला प्रशासन और जिला जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रशासन का कहना है कि यह कार्यक्रम धोखे से हो गया और धोखे से ही प्रेस रिलीज जारी हो गई, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर जेल अधीक्षक और जेलर भी कुर्सी पर विराजमान हुए थे। यहाँ पर एक बंदी था नारायण पांडे, जो यहाँ जेल में बंद था, काफ़ी गंभीर रूप से बीमार भी रहा। बीच में जीबी सिंड्रोम एक बीमारी होती है, उसको वो हो गया। उसका यहाँ से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक था, उसका ट्रीटमेंट कराया गया। लेकिन जब 8 महीने पहले रिहा हुआ है, तब भी वो पैरालाइज था, बिल्कुल हाथ पैर उसके नहीं चल पा रहे। तो जब वो छूटा था यहाँ से, तो उसने ये कहा था कि हम साहब कुछ यहाँ जो गरीब बंदी हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, कंबल वितरित करना चाहते। तो हम लोगों ने कहा था ठीक है, कंबल वितरित कर दीजिएगा जब समय आएगा। तो कल वही लोग आए थे, 4-5 लोग, जो कि कंबल वितरित करके गए हैं और 75 कंबल उन लोगों ने वितरित किया है। जैसा कि मीडिया में चल रहा है कि संत आसाराम बापू जी का गुणगान किया गया, योगासन कराया गया, प्रवचन हुए, महिमा मंडन किया गया, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। आरोपी हैं उसमें जो बैनर लगा हुआ है, वो एक जैसे आप कोई वितरण करने आते हैं, कोई चीज़ बांटने आते हैं, तो आप अपना कुछ तो लगाएंगे आइडेंटिफिकेशन, तो वो मात्र वही है और कहीं कुछ भी नहीं। इसी तरीके का आप मानते हैं गलती से? नहीं, कंबल वितरण तो गलती नहीं है, कंबल वितरण तो होना ही चाहिए। फोटो लगा है, फोटो गलती से लग गया होगा। नहीं नहीं, गलती से क्या हो गया, उसमें जैसे जो मैगजीन्स वगैरह हैं तो वो तो वितरित हैं, सभी संस्थाओं में चल रही, पहले से भी आ रही हैं, पहले की भी हैं, यहाँ जैसे संकलन है, लाइब्रेरी है, तो उसमें तो वो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार का महिमा मंडन, जैसे कह रहे हैं कि योगासन या प्रवचन या आप कह रहे हैं पूजा पाठ, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। थैंक यू।